आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। हमने आपको पिछले सप्ताह न्यूज 9 भारत पर जन्माष्टमी के होने वाले कार्यक्रम की खबर दिखाई थी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 के शुभ अवसर पर संभवानी युगो युगो विषय पर आधारित एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व भर में असंख्य दर्शकों ने घर बैठे ही कार्यक्रम को देखा। इस आयोजन को न तो केवल श्री कृष्ण को लेकर समाज में फैली गलत धारणाओं और भ्रांतियों को दूर किया, बल्कि यह भी बताया गया कि यह भगवान श्री कृष्ण की शिष्यों को आत्मसार करने और उनके द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का पर्व है। दर्शकों के विशेष आग्रह पर यह कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। शनिवार 4 सितंबर को प्रातः 12:30 से लेकर शाम 4:30 तक और रात्रि 9 से 1 तक प्रसारित किया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। न्यूज 9 भारत के लिए देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। नारी मुख ना निहारेंगे, यह कैसा विचित्र ब्रह्मचर्य है साधा। अपरिचित है आप ब्रह्म से, परमात्मा मिलन की है यह बाधा। सच्चा ब्रह्मचर्य वही जब ब्रह्म से जुड़ा हो आचरण, हर कार्य हो ब्रह्म प्रेरित, यदि सतत ब्रह्म का हो अनुसरण। किंतु ईश्वर दर्शन से ही यह संभव हो पाता है। गुरु कृपा से जान ब्रह्म को, ब्रह्मचर्य सद पाता है। राधा कृष्ण है, कृष्ण है राधा, ये परम सत्य में जान गया माँ, ये परम सत्य में जान गया। बोलिए भक्त शिरोमणि माँ मीरा की जय, कृष्णमयी माँ मीरा की जय, भक्त शिरोमणि माँ मीरा की जय। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।